हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक। एंड यस, अभी भी IBPS क्लर्क का स्कोर कार्ड आउट हुआ है, ठीक है। आई होप आप सबने देख लिया होगा। एंड इस बार की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा गई है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। और सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई है वो गई है उत्तराखंड की, 89.5, ठीक है। हार्डली 80 से ऊपर भी नहीं जाती थी इससे पहले वाले सालों में, ठीक है, मगर इस बार तो हर स्टेट की 80 से ऊपर ही गई है, 76 से ऊपर गई है सारी स्टेट्स की, ठीक है। और उसमें भी उत्तराखंड सबसे नंबर वन पे है, ठीक है। तो मैंने भरा था ना दिल्ली से, एंड जो कट ऑफ है दिल्ली की वो है 84.5, ठीक है। तो मैं अब अपना स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हैं नाम दिल्ली, और ठीक है डेट ऑफ 4 तारीख को था ये। एंड इंग्लिश में जो है 23.75 आए मेरे मार्क्स। क्वांट में डेट नंबर मेरा बढ़ा है क्योंकि मैंने 32 अटैम्प्ट करे थे और यहाँ पर डेट नंबर बढ़ा है। इंग्लिश में तो चलो कम हुआ है क्योंकि गलती हुई होगी कुछ ना कुछ, एंड रीजनिंग में भी थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि मिस्टेक हुई होगी। तो मेरा जो टोटल बना है वो है 89 और मैंने अटेम्प्ट करे थे टोटल 94, ठीक है। तो ये था दिल्ली से और मेरा पेपर क्लियर हो गया था, ठीक है। अब 8 तारीख को मेंस का पेपर है, उसी के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं सब, ठीक है। तो आप भी अपना स्कोर कार्ड ज़रूर बताना, एंड जिसने उत्तराखंड से निकाला है उनको तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि उन्होंने 89.5 इतनी हाई कट ऑफ को क्लियर करके एग्ज़ाम निकाला है, ठीक है। अब मगर मेन क्या होता है, अब आगे आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्योंकि देखो प्री में चाहे आपने 1 मार्क से निकाला हो चाहे 10 मार्क से निकाला हो, मैटर ही नहीं करता है, मैटर करता है मेंस के मार्क्स, ठीक है। तो चाहे यहाँ पर किसी के 20 मार्क्स ज़्यादा हों 10 मार्क्स ज़्यादा हों, वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। बस इसमें मेन क्या होता है, आपको पेपर क्लियर करना है और मेरा पेपर क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में। आप लोग भी अपने स्कोर कार्ड जरूर शेयर करना कमेंट कॉलम में, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।